हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का इंपॉर्टेंट और रियल क्वेश्चन पेपर लेकर इजी स्टडी आप तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। साथ ही दोस्तों, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सारी जानकारियां आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे दी जाती है और टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट हमसे रूबरू हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सही विकल्प। इस वीडियो में दोस्तों, हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन पेपर का पूरा जिक्र करेंगे और आप लोग अगर इस वीडियो पे 200 लाइक का एम पूरा कर देते हैं तो उतनी ही समय आपको पूरा वीडियो का एकदम सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पेपर को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले सही विकल्प का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्विलिंगी प्राणी है। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, केचुआ, जोंक, स्पंज या फिर सभी। उसका दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एक प्रारूपी आवृत्त बीजी भ्रूण कोष होता है। थर्ड क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। चौथा क्वेश्चन है, डीएनए से एमआरएनए का संश्लेषण कहलाता है। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य में रोगकारक होता है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे इस पूरे वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस को कहा जाता है। आगे बढ़ते हम देखते हैं रिक्त स्थान है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, जीएमओ का पूरा नाम डैश 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 है। सेकेंड क्वेश्चन है, जिस युग्मनज में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं वह एक डैश डैश शिशु में विकसित होता है। तीसरा है, आकारी तथा अनुवांशिकी रूप में से एक समान जीव डैश डैश कहलाते हैं। गिफ्ट का पूरा नाम है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त साइनोबैक्टीरिया स्लैश है, मलेरिया रोग डैश डैश परजीवी के द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग डैश डैश विषाणु के द्वारा होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, सही जोड़ी है, आप लोग सही जोड़ी देख लीजिए और हाँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम पे पूरी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बिना निषेचन के बीज बनने की क्रिया क्या कहलाती है। तीसरा, कवक व पादप के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है। चौथा है, पहला डीएनए पुनर्योजना किस वैज्ञानिक ने बनाया था। पांचवा क्वेश्चन है, डीएनए में साक्षर युग्मों का ऐसा अनुक्रम जो दोनों दिशाओं में एक समान पढ़ा जाता है। उसी प्रकार अगला है, मानव इंसुलिन कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। अगला है, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त पारजीनी भेड़ का नाम लिखिए। उसे आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निषेचन को परिभाषित कीजिए अथवा पुनरुद्भवन से क्या आशय है। अगला क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता को परिभाषित कीजिए, पुष्प के मुख्य भागों के नाम लिखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि लिखने बैठेंगे तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर से क्या आशय है। एक संकाय क्रॉस किसे कहते हैं, द्विसंकाय क्रॉस किसे कहते हैं। यूक्रोमेटिन को परिभाषित कीजिए, हेटरोक्रोमेटिन को परिभाषित कीजिए, व्यासन के कोई दो कुप्रभाव लिखिए, मेटास्टेसिस को परिभाषित कीजिए, बीओडी का संक्षिप्त अर्थ लिखिए, प्रतिजैविक के दो गुण लिखिए, बायोरिएक्ट के दो कार्य लिखिए, शुक्राणु जनन व अंडाणु जनन में कोई तीन अंतर लिखिए। आप उसको अदर डीएनए व आरएनए में कोई तीन अंतर लिखिए, अनुवांशिकी कूट की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। इसी प्रकार से बहुत सारे आपके क्वेश्चन लगातार आपको हम बता रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पंद्रवा क्वेश्चन है, ड्रग व एल्कोहल के तीन कुप्रभाव लिखिए, इंटरफोरन को परिभाषित करते हुए उसके दो कार्य लिखिए, अपूर्ण प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित लिखिए, सह प्रभाविता के नियम को उदाहरण सहित लिखिए, किन्हीं चार घरेलू पदार्थों के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका स्पष्ट कीजिए, किन्हीं चार औद्योगिक पदार्थ के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 18वां प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त अर्थ लिखते हुए इसके कृषि के क्षेत्र में तीन उपयोग लिखिए, इसी का अथवा है प्लाज्मिड की कोई पांच विशेषताएं लिखिए। 19वां क्वेश्चन है, पीसीआर का पूरा नाम लिखते हुए इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में लिखिए तथा इसका महत्व लिखिए, इसी का अथवा है क्लोनिंग संवाहन का संक्षिप्त कार्य लिखते हुए इसके तीन अनुप्रयोग लिखिए। तो दोस्तों, ये था आपका रियल क्वेश्चन पेपर। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पूरे सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।